चांद सूरज के बाद अब सागर की बारी है। भारत अपना पहला मानव युक्त समुद्री मिशन भेजने की तैयारी में लग गया है। इसे समुद्रयान नाम दिया गया है। इस मिशन में स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत 3 व्यक्तियों को पानी के भीतर 6000 मीटर की गहराई तक भेजने की योजना है। भारत की इस योजना से समुद्र के ऐसे रहस्य बाहर आएंगे जिससे आज तक दुनिया अनजान थी। अंतरिक्ष की तरह ही समुद्र भी अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को संजोए हुए है। दुनिया भर में समुद्र को लेकर कई खोजें हुई। अब इस कड़ी में भारत भी अपना मिशन भेजने की तैयारी में है। समुद्रयान परियोजना के तहत गहरे समुद्र के भीतर 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई तक सफलतापूर्वक ले जाने की योजना है। इस बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अगला मिशन समुद्रयान है। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में इसे बनाया जा रहा है। इस अभियान से समुद्र के भीतरी स्रोतों और जैव विविधता की स्टडी की जाएगी। किरण रिजिजू ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की वजह से समुद्री इकोसिस्टम पर कोई नुकसान नहीं होगा। यह एक डीप ओशन मिशन है जिसे ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। इससे समुद्र के भीतर छिपी कई जानकारियां सामने आएंगी। इस अभियान से कई लोगों को रोजगार मिलेगा, समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल होगा। यह योजना प्रधानमंत्री की नीली अर्थव्यवस्था वाली नीति का समर्थन करती है। बता दें कि इस अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2021 में चेन्नई से की गई थी। समुद्रयान केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक स्वदेशी समुद्री मिशन है। इस पूरी समुद्रयान परियोजना के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें लगे वाहन को मत्स्य 6000 नाम दिया गया है। ये टाइटेनियम धातु से बना है। इसका व्यास 2.1 मीटर है। ये यान 3 लोगों को समुद्र की गहराई में ले जाने में सक्षम है। समुद्रयान मिशन के तहत सागर में छिपे कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्व, मैग्नीज आदि समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज की जाएगी। इसके साथ ही मिशन कई तरह के नमूनों का संग्रह करेगा जिसका उपयोग बाद में विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इस मिशन से संपत्ति निरीक्षण, पर्यटन और समुद्री साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि भारत की समुद्री स्थिति बहुत व्यापक है जिसमें 9 तटीय राज्यों और 1382 द्वीपों के साथ 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा भी है। 2024 की दूसरी तिमाही तक मत्स्य 6000 के परीक्षण के लिए तैयार हो जाने की उम्मीद है। समुद्रयान अभियान के अगले 3 साल में साकार होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस वाहन का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। वाहन के विभिन्न उपकरणों और घटकों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इससे समग्र अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद मिलेगी। समुद्र पर होने वाले शोध कार्यों के मिशन पर सिर्फ भारत ही नहीं लगा है बल्कि और भी देश शामिल हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और चीन जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी वाले देश भी अपने अभियान को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत विकसित और आधुनिक तकनीक वाले देशों की प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की तैयारी में है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।